Hello dear student, welcome to CI International School online classes. Dear plus one commerce class chapter 4 indifference कर हमने शुरू किया था. आज इसका टॉपिक डिस्कस करेंगे चेंज इन बजट सेट. बजट हम डिस्कस कर चुके हैं, बजट क्या है. अब हम डिस्कस करेंगे चेंज इन बजट सेट, क्योंकि बजट चेंज भी तो होता है. कई बार इनकम जो हमारी फिलहाल प्रेजेंट में है हो सकता है बढ़ जाए या हो सकता है कम हो जाए, तो हमारा क्या कॉम्बिनेशन होगा वस्तुओं से रिलेटेड. वही वस्तु जो आज हम ज्यादा खरीद रहे हैं, अगर हमारी इनकम कम हो गई तो हम कम खरीदेंगे. वो जो वस्तु आज हम जिस वस्तु का आज हम खरीद रहे हैं, लेकिन अगर इनकम बढ़ जाती है तो हम आने वाले टाइम में उसको क्या खरीदेंगे, ज्यादा खरीदेंगे. तो बजट सेट इस पर बेस्ड है, चेंज इन बजट सेट. ठीक है, चेंज इन बजट सेट यानी बजट चेंज हो रहा है, या तो इंक्रीज हो रहा है या फिर डिक्रीज, इस पर हम डिस्कस करेंगे. देखें, चेंज इन बजट सेट में सबसे पहले शिफ्ट इन बजट सेट, सबसे पहले शिफ्ट हो रहा है या फिर रोटेट हो रहा है. ठीक है, पहले शिफ्ट का हम डिस्कस करेंगे. शिफ्ट क्या है, शिफ्ट इन बजट सेट. बजट सेट शिफ्ट होता है, यानी शिफ्ट हो रहा है या तो आगे की ओर या पीछे की ओर. शिफ्ट तब होगा या तो इनकम बढ़ रही है या फिर घट रही है. ठीक है, जैसे कि मान लीजिए इनकम हमारी, ये मैंने यहाँ टेबल बनाई हुई है, इनकम जो है 60 रुपीज है. इनकम कितनी है, 60 रुपीज है. रुपीज प्राइस वन का टू है और प्राइस सेकेंड जो गुड्स टू है उसका रुपीज जो है 1 रुपीज है. ठीक है, जैसे पीछे अभी डिस्कस किया था, वन ही सेम टेबल है, उसी टेबल को आगे लेकर चलते हैं. मान लीजिए जो प्राइस है, मान लीजिए जो इनकम है, अगर बढ़ जाती है, इनकम क्या हो जाती है, बढ़ जाती है, 60 से 120 हो जाती है इनकम डबल, तो यूनिट भी हम क्या कर देंगे, डबल कर देंगे. ठीक है, तो इस कॉम्बिनेशन को डबल कर दीजिए. 60 है, 60 के बाद ये 120, 40 है तो सीधा डबल कर दीजिए 80, 20 है 40, 0 का 0, 10 है 20, 20 है यहाँ 40 और 30 है यहाँ 60. ऐसे ही एक और कॉम्बिनेशन, यानी कब, जब हमारी इनकम, अभी तो यहाँ 60 है, इनकम बढ़ गई, मान लीजिए डबल हो गई 120. ठीक है, इनकम अगर कम हो जाती है, इनकम कम मतलब हम इसका आधा कर देते हैं, इनकम कितनी हो जाती है, 30 हो जाती है. ठीक है बेटा, इसी तरीके से करना ताकि आप इसको डबल कर सके. इसके अलावा कोई कॉम्बिनेशन यूज मत करना कि इनकम जो है 150 हो रही है, ये हो रहा है, तो आपको उसी के अकॉर्डिंग डेटा कन्वर्ट करने पड़ेंगे. ये बहुत इजिली रूप से बताए गए हैं, 60 है, अगर इनकम डबल हो गई तो क्वांटिटी भी डबल कर दीजिए. ठीक है, अगर इनकम कम है, इनकम कम मतलब आधी हो चुकी है, तो क्वांटिटी भी आधी कर दीजिए. बस हमें तो यहाँ ये बताना है शिफ्ट कैसे होगा. ठीक है, तो आधी हो जाएगी, 60 है तो 30 खरीदेगा, 40 है तो केवल 20 मिलेगी, 20 है तो यहाँ 10 मिलेगी, 10 है तो यहाँ 5, 20 है तो यहाँ 10 एंड अगेन 30 के बाद क्या आ जाएगा, 15. ठीक है, तो ये है शिफ्ट जब बजट सेट हमारा चेंज हो जाता है. तो देखिए इसका डायग्राम किस तरीके से बनेगा. ओ एक्स एक्सिस है और ओ वाई एक्सिस है. ओ एक्स एक्सिस पर यानी इंक्रीजिंग दिखाते हैं, यानी गुड्स 1 है. ओ वाई एक्सिस पर क्या है, गुड्स 2 है. ठीक है, यहाँ मैंने ऑलरेडी पहले से बनाया हुआ है. आप यहाँ देख सकते हैं तीन लाइन है. अगर मैं इस लाइन को देखूं तो ये 30 है और ये 15 है. 30-15 मतलब यानी गुड्स एक्स हमारा 0 है, तभी तो यहाँ वाई कितना आ गया है, 30 है, यानी ये वाला कॉम्बिनेशन को शो किया गया है. ठीक है, जब इनकम क्या हो गई है, डिक्रीज. यहाँ पर अगर हम देखें 60 आ रहा है, यानी x जब 0 है तो 60 है, यानी ये वाला है. और यहाँ अगर देखें तो ये 120, यानी जब x 0 है, यानी गुड्स 10 है, आप कह सकते हैं गुड्स 10 है, तो ये 120 है, ये रहा गुड्स 10 है, तो गुड्स 2 क्या है, 120 यूनिट आप क्या कर रहे हैं, खरीद रहे हैं उसकी. ठीक है, तो यहाँ इसको शो किया गया है एक साथ. देखिए जैसे कि यहाँ पर अगर हम इसको बनाते हैं तो लाइन हमारी ये जाती है 60 से कहाँ की ओर, 30 की ओर. ये 60 आ गया, ये 30, बाकी कॉम्बिनेशन बनाने की जरूरत नहीं है. मेन दो लाइन है, मैक्स जो आप मैक्सिमम गुड्स 2 के 60 यूनिट कर सकते हो और गुड्स 1 की 30 यूनिट खरीद सकते हैं, यानी जब आपके पास रुपीस कितने हैं, 60 रुपीस कितने हैं, 60. मान लीजिए रुपीस क्या हो जाता, आपके पास आपकी इनकम क्या हो जाती, कम हो जाती है. मान लीजिए चलिए अभी पहले ज्यादा का कर लेते हैं, इनकम बढ़ जाती है, इनकम जो है 60 से कितनी हो जाती है, 120. 60 से कितनी हो जाती है, 120, यानी डबल हो गई. ठीक है, तो ये कहाँ की ओर शिफ्ट हो जाएगा, आगे की ओर शिफ्ट हो जाएगा.
ये लाइन कहां की ओर शिफ्ट हो जाएगी, आगे की ओर, देखिए ये फॉरवर्ड, फॉरवर्ड शिफ्ट हो जाएगी। कब शिफ्ट होगी, जब इनकम क्या हो जाएगी, इंक्रीज। इनकम क्या हो जाएगी, इंक्रीज, तो लाइन फॉरवर्ड शिफ्ट हो जाएगी। जैसे आप ये देख सकते हैं, जीरो पर 120 और जीरो पर 60, ठीक है। तो ये कहां की ओर शिफ्ट हो जाएगी, आगे की ओर, ठीक है। इसके अलावा अगर आप इनकम कम हो जाती है, आपकी इनकम 60 से कितना हो जाती है, 30 हो जाती है, ठीक है। तो ये लाइन कहां की ओर शिफ्ट हो जाएगी, बैकवर्ड। ये लाइन कहां की ओर शिफ्ट हो जाएगी, बैकवर्ड शिफ्ट हो जाएगी। जैसे कि आप यहां देख सकते हैं, ये जब जीरो है तो ये 30 है, ठीक है। जब ये जीरो है तो यहां पर कितना है, 15 है। तो ये पीछे की ओर, ये जो लाइन शो कर रहा है, ये बैकवर्ड शिफ्ट हो रहा है। बैकवर्ड शिफ्ट कब होगा, जब इनकम कंज्यूमर की क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। इनकम क्या हो जाएगी, डिक्रीज। तो बस यही था बेटा छोटा सा टॉपिक कि शिफ्ट, बजट सेट कब शिफ्ट होता है। बजट सेट, सेट ये है ना, ये सारे सेट तो बनाए हुए हैं। ये शिफ्ट कब होगा, ये शिफ्ट तब होगा, शिफ्ट मतलब नंबर इसके तब चेंज होंगे, या तो इनकम बढ़ रही है या फिर इनकम क्या है, घट रही है एग्जिस्टिंग इनकम से। जैसे इनकम 60 है तो बढ़ गई 120, एग्जिस्टिंग इनकम 60 है घट गई 30, तो उसके अकॉर्डिंग बनेंगे कॉम्बिनेशन। बजट लाइन क्या हो जाएगी, शिफ्ट हो जाएगी। अगर इनकम बढ़ रही है तो आगे की ओर शिफ्ट, अगर इनकम कम हो रही है तो कहां की ओर शिफ्ट हो जाएगी, पीछे की ओर शिफ्ट हो जाएगी। आई होप टॉपिक क्लियर हो गया होगा, आगे देखिए, ठीक है। इसके बाद आता है रोटेशन ऑफ बजट लाइन। बजट लाइन कब रोटेट होगी बेटा, बजट लाइन तब रोटेट होगी जब प्राइस गिर रहे हो। यहां तो इनकम बढ़ रही है, रोटेशन कब होगा, जब प्राइस गिर रहे हैं, या तो गुड्स एक्स के प्राइस गिर रहे हैं या तो गुड्स वाई के प्राइस गिर रहे हैं, तब रोटेट होता है। तब हम क्या होते हैं, जैसे इसका प्राइस घट गया, रूपीज 2 से 1 आ गया, तो बेटा आप अगर ये देखेंगे इसकी क्वांटिटी भी बढ़ जाएगी। 10 के प्लेस पर कितनी, 2 रूपये का एक था, तो 1 रूपये का एक, आप 20 खरीदेंगे, ठीक है, या 40 खरीदेंगे या 60 खरीदेंगे, इसकी भी, इसका जो है शिफ्ट हो जाएगा, 10 से 20 पर आ जाएगा। जैसे ये 10 है यहाँ पर, ठीक है, यहाँ 0-60 वाला अगर हम करें तो यहाँ पर ये जो 10 है अभी शिफ्ट हो जाएगा, ठीक है, 10 से कहाँ की ओर, 20 की ओर, इस तरीके से शिफ्ट हो जाएगा। यानी अब 10 के प्लेस पर 20 को शो करेगा, ठीक है। तो लाइन क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी, ठीक है, रोटेट होगी, शिफ्ट नहीं। शिफ्ट मतलब कि ये लाइन आगे पूरी उठकर आगे जा रही है, रोटेट मतलब ये ही लाइन या तो इधर की ओर जा रही है, रोटेट हो रही है, या ऊपर की ओर, कोई ना कोई एक बिंदु सेम वहीं पर बना हुआ है। देखिए कैसे, हाँ जी देखिए, टॉपिक है रोटेशन ऑफ बजट लाइन। तो बजट लाइन रोटेट टू द राइट, बजट लाइन रोटेट होगी राइट की ओर, बजट लाइन रोटेट होगी राइट की ओर, आगे की ओर। बजट लाइन आगे की ओर कब रोटेट होगी, जब पीएक्स और पीवाई फॉल, यानी प्राइस क्या हो जाएंगे, गिर जाएंगे, या तो एक्स के या फिर किसके, वाई के प्राइस हो जाएंगे, गिर जाएंगे, तो वो कहां की ओर शिफ्ट हो जाएगी, आगे की ओर, ठीक है। और पीछे की ओर कब शिफ्ट होगी, या तो प्राइस एक्स और वाई का क्या हो जाएगा, अभी तो गिर रहे हैं, बढ़ रहे हैं, तो कहां की ओर शिफ्ट हो जाएगी, पीछे की ओर। जैसे कि यहाँ बजट लाइन रोटेट कब होगी, रोटेट तब होगी जब प्राइस किसी ना किसी का गिर रहा हो, या तो एक्स का प्राइस गिर रहा हो, या फिर क्या हो रहा हो, प्राइस वाई गिर रहा हो। जैसे कि रोटेशन देखिए, रोटेट कब होगी, ये गुड्स एक्स है, ये गुड्स वाई है, ठीक है। मान लीजिए ये लाइन बनी हुई, इतनी क्वांटिटी आप खरीद रहे हैं, ठीक है, ये गुड्स एक्स की और गुड्स वाई की, ए बी यूनिट को खरीद रहे हैं, ठीक है, जैसे वो 60 और 30 था। अब मान लीजिए गुड्स एक्स का प्राइस क्या हो जाता है, गिर जाता है, प्राइस ऑफ गुड्स एक्स क्या हो जाता है, फॉल हो जाता है, यानी गिर जाता है। तो सीधी सी बात है, आप पहले 10 यूनिट खरीदे थे तो आप 20 खरीदेंगे, जैसे मैंने अभी पीछे टेबल में बताया था, ठीक है, यानी आप ज्यादा यूनिट खरीदेंगे, तो ये रोटेट हो जाएगी लाइन, और इसकी यूनिट उतनी की उतनी ही रहने देगी, क्योंकि इसका प्राइस कुछ भी चेंज नहीं हुआ है। तो ये लाइन इस तरीके से शिफ्ट हो जाएगी, यानी यहाँ आप कह सकते हैं बी से, आप कह सकते हैं बी वन पर आ जाएगी, बी से कहां की ओर, बी वन। कब ये लाइन आगे की ओर शिफ्ट, कब आगे की ओर रोटेट, कब होगी शिफ्ट, नहीं रोटेट कब होगी, जब गुड्स एक्स के प्राइस क्या हो रहे हैं, गिर रहे हैं, या एक्स का प्राइस क्या हो रहा है, गिर रहा है, ठीक है, फॉल हो रहा है, तो क्वांटिटी आप ज्यादा खरीदोगे, लाइन इस तरीके से रोटेट होगी। चलिए वाई का देख लेते हैं, ओ एक्स वाई, ठीक है, ये लाइन है। अब वाई का प्राइस अगर क्या, वाई का प्राइस जो है गिर जाता है, वाई का प्राइस अगर गिर जाता है तो क्वांटिटी आप इतनी नहीं खरीदेंगे, क्वांटिटी आप ज्यादा खरीदोगे, बी से बी वन पर आ जाएगी क्वांटिटी, जब प्राइस इसका गिर गया,
लेकिन एक्स की जो गुड्स एक्स है, गुड्स एक्स की क्वांटिटी तो उतनी की उतनी ही रहेगी, तो इस तरीके से ये लाइन हो जाएगी रोटेट, ठीक है। इस तरीके से ये लाइन क्या हो जाएगी, रोटेट हो जाएगी, बी से बी वन की ओर आ जाएगी। कब, जब गुड्स वाई के प्राइस क्या हो रहे हैं, फोल्ड हो रहे हैं, गिर रहे होते हैं, तो सीधी सी बात है गुड्स वाई के प्राइस गिर रहे हैं तो आप ज्यादा क्वांटिटी खरीदेंगे, तो लाइन इस तरीके से हो जाएगी रोटेट। होप यू क्लियर। चलिए अब ये तो कंडीशन थी जब प्राइस एक्स के गिर रहे हैं और प्राइस वाई के गिर रहे हैं, अगर गिर रहे होते हैं तो किस तरीके से आप डायग्राम शो करेंगे। देखिए अभी तो था जब प्राइस गिर रहे हैं, अगर प्राइस इंक्रीज हो रहे हैं, प्राइस क्या हो रहे हैं, इंक्रीज हो रहे हैं, तो किस तरीके से आप बनाएंगे। देखिए ये ओ एक्स है, ये वाई है, ठीक है, ये गुड्स एक्स है, ये गुड्स वाई है, तो ये लाइन ऑलरेडी पहले से बनी हुई है बजट लाइन, ठीक है, आप ये भी कह सकते हैं। कंडीशन अब रोटेट कब होगा, पहले तो मैंने बोल दिया जब प्राइस गिर रहे हैं, अगर गुड्स एक्स के प्राइस क्या हो रहे हैं, बढ़ रहे हैं, गुड्स एक्स के प्राइस क्या हो गए, इंक्रीज, तो सीधी सी बात है अब जितनी यूनिट पहले खरीदे थे अब यूनिट को क्या कर दोगे कम, अगर 10 यूनिट खरीदे तो 10 से 5 पर आ जाएंगे, ठीक है, तो लाइन जो है रोटेट होगी इस तरीके से बैकवर्ड, पीछे की ओर क्या हो जाएगी, रोटेट। इस तरीके से एरो लगाना बेटा, अगर मैं आगे की ओर एरो लगा रही हूँ इतनी सी लाइन आगे की ओर जा रही है, अगर मैं पीछे की ओर एरो लगा रही हूँ यानी ये लाइन रोटेट होकर कहाँ की ओर आई है, पीछे की ओर, ये पीछे की ओर क्या शो कर रहा है, जब प्राइस क्या हो रहे हैं, इंक्रीज हो रहे हैं, किसके, गुड्स एक्स के, तो लाइन इस तरीके से रोटेट हो जाएगी, बी से पीछे की ओर जाएगी बी वन। और ऐसे ही अगर वाई की ओर अगर हम देखें, सेम इसी को लेकर चल लेते हैं, ठीक है, इस तरीके से लाइन ऑलरेडी बनी हुई है, अगर गुड्स वाई के प्राइस क्या हो रहे हैं, इंक्रीज, गुड्स वाई का प्राइस क्या हो रहा है, इंक्रीज, तो प्राइस इंक्रीज हो रहा है तो सीधी सी बात है इसकी यूनिट, लेकिन इनकम तो इंक्रीज नहीं हुई ना, इनकम तो इंक्रीज नहीं हुई, केवल गुड्स वाई का प्राइस इंक्रीज हुआ है, तो सीधी सी बात है आपको यूनिट अब कम खरीदनी पड़ेगी, ठीक है, तो यहां से कहां की ओर आ जाएगा, नीचे की ओर आ जाएगी लाइन इस तरीके से, और वाई एक्स की तो उतनी खरीदेंगे लेकिन इसका प्राइस यानी लाइन नीचे की ओर, इस तरीके से आरो शो करेंगे। ये लाइन किसको शो कर रहा है, जब यूनिट आप कम खरीदे देंगे, पहले बी खरीद रहे थे अब यूनिट कम खरीदेंगे, बी से बी वन, कब, जब प्राइस गुड्स वाई का क्या हो रहा है, इंक्रीज, तो इसे बोलते हैं रोटेट, ठीक है। ऐसे ही आपकी बुक में गिवन है, आप एक बार पढ़ लीजिएगा किस तरीके से लाइन रोटेट होती है, ठीक है। शिफ्ट तब होगी जब इनकम इंक्रीज हो रही है, रोटेट तब होगी जब प्राइस क्या हो रहे हैं, बढ़ रहे हैं, घट रहे हैं, दो लाइन याद रखिए, ठीक है। बजट लाइन कब भाई चेंज होती है, चेंज इन बजट लाइन थी, इसके दो टॉपिक थे, एक तो शिफ्ट इन बजट सेट, जब इनकम इंक्रीज हो रही है तो लाइन शिफ्ट हो रही है तब वो कुछ चेंजेस आ रहा है, या प्राइस इंक्रीज है घट रहे हैं तब कुछ चेंजेस आ रहा है लाइन में, तो बजट तो चेंज हो जाता है बजट सेट, ठीक है। आई होप टॉपिक क्लियर हुआ होगा, इसको अच्छे से करने की कोशिश कीजिएगा। ओके, थैंक यू।